नमस्कार, दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम कैंपस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाकर वहाँ की फैकल्टी से, स्टूडेंट से किसी एक विषय पर चर्चा करते हैं, जिसे लेकर आज हम मौजूद हैं रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइकाइट्री एंड एलाइड साइंसेज में, जहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट से हम बात करेंगे साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट इन रूरल एरियाज पर, जो निसंदेह एक संवेदनशील विषय है। तो चलिए इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए शुरुआत करते हैं यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ। आपके अकॉर्डिंग साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट से रिलेटेड रूरल पीपल को किन कॉम्प्लेक्सिटीज से गुजरना पड़ता है? जी, अगर हम बात करें रूरल नागरिक और मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट के बारे में, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको जो झेलनी पड़ती है वो अफोर्डेबिलिटी और एसेसिबिलिटी की होती है। इसका मतलब ये है कि अक्सर आपने देखा होगा कि जो गाँव के लोग होते हैं उनको फाइनेंस की दिक्कत होती है, उनके अंदर वो ट्रीटमेंट की फैसिलिटी उनके गांव के क्षेत्र में अवेलेबल नहीं होती है। जो भी हमारे ब्लॉक लेवल पे हो जाते हैं या फिर हमारे खेड़े लेवल पे हो जाते हैं, उनको ये सुविधाएं नहीं होती हैं। तो सबसे बड़ा कारण तो ये है कि वो एक पैसे की कमी होती है, और दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन का दिक्कत। हर जगह पर, हर गाँव खेड़े में ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती है, और उनको शहर तक आने की मतलब जो सुविधाएँ होती है वो बेसिक नहीं होती है। आप देखोगे कि रांची में जैसे 2-3 मेंटल हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में या हर ब्लॉक पे या हर गांव लेवल पे अभी ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो एक तो कारण ये हो जाता है, जिसकी वजह से उनको सबसे बड़ी मुसीबत ये झेलनी पड़ती है कि वो आ नहीं पाते हैं, और दूसरा उनकी पैसे की कमी होती है, क्योंकि जो मेडिसिन जो होती हैं साइकियाट्री की वो बहुत महंगी होती है। हर हॉस्पिटल में फ्री मेडिसिन की उपलब्धि नहीं है, हमारे रिमपास में है, लेकिन फिर भी जो ऐसी मेडिसिन है जो फर्दर ट्रीटमेंट के लिए जो बहुत एक्सपेंसिव होती है वो बाहर मुहैया नहीं होती है, वो महंगे दामों पे मिलती है। तो एक तो कारण ये हो जाता है कि जो गांव में है कि वो ट्रांसपोर्टेशन की जो कमी हो जाती है, और दूसरा पैसों की कमी, ये सबसे बड़ा एक आप बोल सकते हैं बैरियर बन जाता है मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए। तो सोसाइटी में स्टिग्मा का बहुत ज़्यादा बात चलता है, जैसे लोगों का अगर कोई भी रूप का मानसिक बीमारी होता है तो लोग उन्हें तरह तरह के नाम बुलाने लगते हैं, जैसे पागल हो गया है या फिर उसके अंदर कुछ भूत आ गया है, काला जादू किसी ने कर दिया है। तो इन सब के कारण भले रांची में साइकियाट्रिक हॉस्पिटल्स हैं, मेंटल हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं जाते हैं हॉस्पिटल्स और कोई बाबा के पास या फिर तंत्र मंत्र को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जिसके कारण भले उनका बीमारी बढ़ भी जाए लेकिन परिवार वाले या फिर समाज के जो लोग हैं सोसाइटी में या फिर जो गांव में वो लोग रहते हैं, वो लोग बोलते हैं कि भूत ही है उसके अंदर और कुछ उसमें मानसिक रूप में उसको कुछ परेशानी, ऐसा नहीं सोचता। दूसरा चीज़ ये कि जैसे औरतों को बहुत ज़्यादा, अगर औरतों को कोई भी रूप का परेशानी होता है तो लोग ये बोलते हैं कि उसको प्रॉब्लम है, बट वहीं अगर आदमियों में अगर कुछ प्रॉब्लम है वो सोसाइटी में या फिर सामने आता ही नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में एक ऐसा बन गया है कि आदमी अपना दुख या फिर अपना जो भी परेशानी वो बता नहीं सकता। तो इन सब के कारण बहुत ज़्यादा मानसिक रोग में या फिर मानसिक तनाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण लोग बहुत हद तक उनका जीवन शैली भी अफेक्ट हो जाता है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा जागरूकता की कमी भी होती है, जिस कारण से साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट में एक रुकावट की तरह हम देखने को पाते हैं। तो गांव देहात के लोग दरअसल बहुत ज़्यादा खेतीबाड़ी वो सब करने वाले लोग होते हैं, तो उनको मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, मानसिक रोग क्या होता है, इनके बारे में उतनी जानकारी नहीं होती है। और बहुत बार ये भी देखा गया है कि उनको ये भी पता नहीं रहता है कि मानसिक नाम की कोई चीज़ भी होती है या फिर मानसिक स्वास्थ्य नाम की कोई चीज़ भी होती है जिस पे ध्यान देना है, तो इन सब की जानकारी उन तक नहीं होती है। दूसरी चीज़ है कि उन तक जानकारी पहुँचाने वाले लोग उतने नहीं हो पाते हैं, बहुत बार रिसोर्सेज उतने नहीं हो पाते हैं कि हर गाँव को अप्रोच कर सके या हर गाँव के लोगों के पास जाकर उनको बता सके। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है लैंग्वेज की, क्योंकि हर लोकल एरिया में अपना एक लोकल लैंग्वेज होता है और उनका ही अपना लोकल डायलेक्ट होता है। तो अगर यहाँ से लोग जाते भी हैं उनको अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए बताने के लिए, तो लोकल लोग वहाँ की चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, वो भाषा समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हिंदी भी उनकी लोकल लैंग्वेज है नहीं। तो मुझे लगता है कि लैंग्वेज बहुत बड़ी इशू हो जाती है अवेयरनेस में, जानकारी में, दोनों तरफ से
इसकी वजह से भी बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। गांव देहात के लोगों में एक ये समस्या देखा गया है कि मानसिक जो समस्या होती है उसका इलाज वो लोग जल्द से जल्द चाहते हैं, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मानसिक समस्या का जो इलाज होता है वो लंबे समय तक चलता है, जिस कारण से वो लोग मानसिक हॉस्पिटल में आने के बजाय झाड़ फूँक की ओर चले जाते हैं, और उससे वो लोग ज़्यादा वो लोग को बिलीव होता है कि हम झाड़ फूँक कराएंगे तो जल्द से जल्द वो जो भी परेशानी है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। आपके अकॉर्डिंग रूरल एरियाज़ में लोकल हेल्थ वर्कर्स या सामुदायिक नेताओं को किस तरह की भूमिका निभानी चाहिए उन्हें अवेयर करने के लिए? जैसे कि हम खुद गांव से हैं, हम खुद वेस्ट बंगाल के गांव से बिलोंग करते हैं, तो रूरल जो लीडर होते हैं, लोकल लीडर या हेल्थ वर्कर्स जो भी होते हैं, उनका गांव में बहुत प्रभाव रहता है। उनका बात बहुत अच्छे से लोग सुनते भी हैं, उनसे जानकारी भी लेते हैं, इनसे लिया गया जानकारी का भी बहुत सही प्रभाव रहता है। तो सबसे पहले तो क्या किया जा सकता है कि लोकल लीडर का अपना सेंसिटाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, लोकल लीडर हो, हेल्थ वर्कर हो। फिर जो हम गांव में ग्राम सभा होते हैं, सामुदायिक बैठक होते हैं, जो रेगुलर मतलब हर समय पे अनुसार जो होता रहता है, हफ्ते में हो या महीने में, वहाँ पे हम गांव के बहुत सारे विषय के ऊपर चर्चा चलते हैं ग्राम सभा ये सब में, तो वहाँ पे अलग से मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर जानकारी देना गाँववासी के लिए वो बहुत ज़रूरी है। ग्राम सभा की जो सामुदायिक बैठक के हर एक दिन का हफ्ते का एक टॉपिक ही हो सकता है मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर बात करना। तो जहाँ पे क्या होता है, गाँव के बहुत सारे लोग आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, छोटे बच्चे होता है, वहाँ पर अगर मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर जानकारी इनके तरफ से गाँववासी को मिलेगा तो उनका और कहीं ज़्यादा घनी प्रभाव रहेगा हमारे गाँववासी के ऊपर। मुझे ऐसा भी लगता है कि जो भी ग्रामीण समस्या होता है, जो अलग ग्राम में अलग अलग समस्या होंगे, तो वो जो समस्या होते हैं वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जो अलग अलग जगह से है उनको शायद उनका उतना जानकारी नहीं रहेगा। तो जो लोकल लीडर्स है, जो मुखिया है, वो एज मीडिएटर्स, एज ब्रिज, एक माध्यम के तौर पे काम कर सकते हैं, ताकि जो मेंटल हेल्थ वर्कर्स है उन वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाए कि उस जगह पे क्या क्या समस्या है और उस हिसाब से वो कुछ हेल्प प्रोवाइड कर पाए या जो भी ट्रीटमेंट है वो उस हिसाब से प्रोवाइड कर पाए। जैसे हमने जाना कि जो ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं, प्रधान होते हैं, आशा वर्कर और सहायक होते हैं, वो एक ब्रिज के तौर पे काम करते हैं जो स्वास्थ्य सेवकों को और गांव वालों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। तो इसी संदर्भ में जो मुखिया है, सेविकाएं हैं, एक दूसरे का सहाय ले के गाँव में मानसिक स्वास्थ्य सेवा कैंप का आयोजन कर सकते हैं, जिससे मनोवैज्ञानिक हो या बाकी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हो, वो गाँव में जाके मरीजों की जाँच कर सके और जान सके कि गांव वासियों में क्या मानसिक समस्याएं हैं और उनका निदान कर सके। साथ ही में जो डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, तालुका मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, उनका भी आयोजन कर सकते हैं, चूँकि जो गांव वाले हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, उनको शहर ना जाना पड़े मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का उपलब्धि करने के लिए, और जो मानसिक सेवाएँ हैं, स्वास्थ्य सेवाएँ हैं, वो गाँवों में ही उनके लिए उपलब्ध हो। कि ग्रामीण अंचलों में जो सामुदायिक स्थान होते हैं, जैसे कि स्कूल, हैंडपंप, राशन दुकान, वहाँ पर पोस्टर, पेंटिंग और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से मानसिक रोगों के लक्षण एवं उनके निदान के लिए जमीनी स्तर के कार्यकर्ता एवं लोकल लीडर्स का सहयोग लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आपके अकॉर्डिंग किन इंफ्रास्ट्रक्चर्स या रिसोर्सेज की कमी के वजह से ग्रामीणों को एक इफेक्टिव साइकेट्रिक ट्रीटमेंट या केयर नहीं मिल पाता है? जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस पूरे झारखंड में DMHP 24 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, लेकिन उस 24 डिस्ट्रिक्ट में अभी तक मेंटल हेल्थ सर्विसेज का कोई भी उच्चारण नहीं हुआ है, या फिर बहुत कम ऐसी सुविधाएँ हैं जो कि एक ग्रामीण व्यक्ति को मिलती है। वैसे ही लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते वो पहुंच नहीं पाते हैं।
दूसरा चीज़ ये भी है कि हमारा जो एक होलिस्टिक टीम है जिसमें कि हमारे नर्सिंग स्टाफ रहते हैं, एक साइकेट्रिस्ट रहता है, एक साइकेट्रिक सोशल वर्क रहता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रहते हैं, तो वो एक पूरा टीम का अनअवेलेबिलिटी है। ऊपर से हमारा जो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है दवाइयों के माध्यम से या फिर थेरेपी रूम के माध्यम से, वो एक पूरा प्रॉपर बिल्डिंग नहीं है। तो एक प्रॉपर जब बिल्डिंग ही नहीं है तो एक प्रॉपर एक होलिस्टिक अप्रोच ही नहीं है इस चीज़ का। तो इस चीज़ के वजह से एक जो पूरा ट्रीटमेंट होता है वो एक मरीज को या फिर एक ग्रामीण मरीज को पहुंच नहीं पाता है। मेरे हिसाब से हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन तक सुविधा ना पहुंचने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला, प्रोफेशनल्स की कमी का होना। अगर हम बात करें बहुत सारे जो लोग हैं उसके हिसाब से उनको कैटर करने के लिए उतने ही रेशियो में हमारे पास प्रोफेशनल्स नहीं हैं। दूसरा एक बहुत प्रमुख कारण कि जो हमारी डिसेबिलिटीज़ हैं उसके हिसाब से स्पेसिफिक सुविधा का होना। जैसे हम अपने RPWD की बात करें उसमें 21 तरीके की डिसेबिलिटी हैं, बट क्या हर तरीके की डिसेबिलिटी की सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंच पा रही हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारे लिए। और कुछ स्पेसिफिक टर्म्स में हम पहुंचा पा रहे हैं शायद सुविधाएं, लेकिन अगर हम बात करें किसी ब्लाइंड इंसान के लिए उसकी ज़रूरत अलग है, एक हेयरिंग इम्पेयरमेंट उसके लिए उसकी ज़रूरत अलग है। तो सुविधा होनी चाहिए और वो डिसेबिलिटी के हिसाब से होनी चाहिए। सो यही एक प्रमुख कारण है मेरे अनुसार। ग्रामीणों वालों का अभी इलाज के लिए आने में जाने में तो दिक्कत होता है, ट्रांसपोर्टेशन का कमी होता है, रोड का कनेक्टिविटी, रोड का आने में ये सब से उनको दिक्कत आ रहा है, इसलिए उनका अच्छे से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। और इसका अलावा बहुत खर्चा होता है तो फाइनेंशियल इश्यूज भी इसके साथ आ रहा है। और जैसे कि आज का माहौल में कोविड के बाद बहुत ऑनलाइन कंसल्टेशन वगैरह शुरू किया है, लेकिन अभी ग्रामीणों में उतना सुविधाएं वो लोग का नहीं मिल पा रहा है। लेकिन उतना टेक्नोलॉजिकल इश्यूज का वजह से, टेक्नोलॉजी का अवेयरनेस का लैक के वजह से उतना फ़ायदा नहीं मिल रहा है। और ऐसा जैसे कि और पुनर्वास केंद्र बहुत ही कमी है इधर, तो उनका वो इसी का भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है। जैसे हम जानते हैं कि जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स हैं या जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनकी भारी कमी है पूरे भारतवर्ष में, जिसकी वजह से जो वर्क बर्डन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से जो रूरल पॉपुलेशन है, जो ग्रामीण मरीज हैं, उनको सही तरीके से कैटर नहीं किया जा पा रहा है। दूसरी बात है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जैसे हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह देखते हैं बाकी जो फिज़िकल हेल्थ के लिए, तो उनकी हम देखते हैं कि ग्रामीण इलाकों में या फिर इवन जो अर्बन एरियाज़ में भी हम देखते हैं कि वो हॉस्पिटल्स वगैरह, मेंटल हॉस्पिटल्स वगैरह काफ़ी कम हैं। फिर जो कोलाबोरेशन, हम जो सहकर्मिता या सहकारिता की बात करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक कमी देखने को मिलती है जो कम्युनिटी लीडर्स के साथ में। फिर जो साइकेट्रिक ड्रग्स है, जो अवेलेबल हैं वो रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण इलाकों में अवेलेबल नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कई बार काफ़ी दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है, और जो कि एक काफ़ी बड़ी समस्या है। और अंत में, जैसा कि हम जानते हैं कि फिज़िकल हेल्थ के लिए आज के दिन में इंश्योरेंस है, लेकिन जो मेंटल हेल्थ के लिए इंश्योरेंस आज भी मतलब सब जगह नहीं है, तो अगर ये ऐसा हो पाए तो बहुत अच्छा रहेगा ग्रामीण मरीजों के लिए। जैसे अक्सर रूरल एरियाज थोड़े कम ऑब्जर्वेशन वाले एरियाज रहते हैं, तो ऐसे में गवर्नमेंट को इन क्षेत्रों के लिए क्या इमीडिएट एक्शंस लेने की ज़रूरत है? पहली बात तो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो यहाँ पे निरक्षरता के वजह से हो या गरीबी के वजह से हो या जो आधुनिक चिकित्सा की उपलब्धि है या इसकी जानकारी है और जो कलंक फैल रखा हुआ है, इस वजह से मनोरोगी की जो संख्या है बढ़ती जा रही है। और लेटेस्ट रिसर्च ये भी कहता है कि रूरल एरियाज़ में भारत में 1,40,00,000 से भी ज़्यादा मानसिक स्वास्थ्य के जो कर्मचारी हैं इनकी कमियां हैं। तो पहली बात तो ये गैप फिल करने की बहुत ज़रूरत है, इसको फिल करने की ज़रूरत है, ये मेरा पॉइंट होगा। जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी स्वास्थ्य केंद्र में जनरल फिजिशियंस, जनरल डॉक्टर्स की उपलब्धि रहता है, पर उस हिसाब से जो मानसिक प्रोफेशनल्स है, मानसिक स्वास्थ्य के प्रोफेशनल्स है, उनका उपलब्धि कम रहता है। और जैसे हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जितना मनोरोगी का संख्या है उसकी तुलना में जो मानसिक स्वास्थ्य के प्रोफेशनल्स है उनका नौकरी का उपलब्धि थोड़ा कम है।
और जब भी हम लोग देखते हैं कि ग्रामीण जगह में मानसिक स्वास्थ्य केंद्र है, उधर में हम लोग सिर्फ देखते हैं कि साइकियाट्रिस्ट मौजूद रहते हैं, पर पूरे टीम की कमी रहता है, जैसे कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिक सोशल वर्कर, साइकियाट्रिक नर्सिंग, इनका कमी देखा जाता है। सबसे पहले तो जो मानसिक स्वास्थ्य केंद्र है वो ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराना ज़रूरी है। साथ ही में हर मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में मनोरोग औषधियों को भी उपलब्ध कराना है, जो ताकि रोगियों तक वो मुफ्त में मिल सके। जैसा कि हम जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य की जागरूकता की बहुत कमी है, तो सरकार को समयानुसार जागरूकता प्रोग्राम्स चलाने चाहिए। इसके साथ ही ट्रीटमेंट सर्टिफिकेशन, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन के बारे में भी सरकार को जागरूकता फैलानी चाहिए। इसके साथ ही हम देखते हैं कि सरकारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें मानसिक स्वास्थ्य के बारे में उतनी जानकारियां नहीं है, उसके ऊपर भी सरकार ध्यान दे सकती है। इसके अलावा ग्रामीण लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताने के लिए उनको इस प्रोग्राम्स में शामिल करना भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपके अकॉर्डिंग रूरल एरियाज में साइकियाट्रिक प्रॉब्लम सुपरस्टिशन से किस हद तक रिलेट करता है? आज के समय में भी साइकियाट्रिक इलनेस से जुड़े हुए कई सारे सुपरस्टिशन और अंधविश्वास जुड़े होते हैं। खास करके एक ये है कि बच्चों को मानसिक इलनेस नहीं होते, साइकियाट्रिक इलनेस नहीं होते हैं, पर रियलिटी ये है कि बच्चों को भी और ये किशोर अवस्था में भी कई सारे साइकियाट्रिक इलनेस हो सकते हैं, जैसे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म, ADHD, और इस सब का लक्षण जो है व्यवहार के रूप में दिखने को मिलते हैं, जैसे कि एक जगह में बैठ नहीं पाना, कंसंट्रेशन नहीं हो पाना, या चीज़ों की समझ कम होना, और लोगों को लगता है कि ऐसे बच्चों बदतमीजी कर रहे हैं या बदमाशी कर रहे हैं इसलिए पनिशमेंट दिया जाता है। ये नहीं सोचते कि इस सब का इलाज होते हैं, और इस सब का इलाज मेडिकल या मेडिसिन या बिहेवियर थेरेपी के रूप में भी मिलता है यहाँ पे। तो दे कैन लाइक अवेल दिस काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ या ट्रीटमेंट वो ठीक करने के लिए। जब भी पता चलता है गांव में, परिवार में किसी के, तो तब भी परिवार वाले उनको अलग कर देते हैं, और ये बात जब भी पड़ोस में फैल जाता है तब तो ये लोग, पड़ोसी लोग बाहर कर देते हैं एकदम, और जैसे कि बाहर जाने नहीं देते हैं, मंदिर में पूजा करने नहीं देते हैं, खेलने नहीं देते हैं बच्चों को बाहर में जाकर, तो ये लोग सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम फैल जाने वाला बीमारी है। बट पहले हम लोगों को समझना है कि ये फैल जाने वाला बीमारी नहीं है, जैसे शारीरिक दिक्कत होता है ऐसे ये होता है मानसिक दिक्कत, और ये भी समझना चाहिए कि हम लोगों को इन लोगों के साथ ये जो व्यवहार है ये सब नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ है, ये लोग गांव वाले जब भी साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में आते हैं तब सोचते हैं कि यहाँ एलोपैथी दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट्स होता है, बट ये सोचना ज़रूरी है कि साइड इफ़ेक्ट्स होने के बाद भी हम लोग ये दवाई ले सकते हैं। आज मैं बताना चाहूँगी कि मानसिक बीमारियों को लेकर बहुत सारा अंधविश्वास है, ज़्यादातर ये अंधविश्वास गाँव में है। गांव को लोगों को लगता है कि मानसिक बीमारी कभी ठीक नहीं होंगे, ये सबसे बड़ा अंधविश्वास है। इसी के चलते वो लोग कभी हॉस्पिटल या फिर कोई भी डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाते। कोई भी इंसान, अगर किसी भी परिवार में कोई भी इंसान कुछ अलग हरकतें करने लगता है जो बाकी लोगों से थोड़ा अलग है, तो वो कभी देखते हैं कि शायद वो कुछ बदमाशी कर रहे हैं या फिर आसपास कोई दोस्तों के साथ मिलकर कुछ नाटक कर रहे हैं, ऐसे उन लोगों को लगता है, तो वो ऐसे छोड़ देते हैं लोगों को। लेकिन धीरे धीरे जो जब उनको संभाल नहीं सकते घर पे, जब कुछ हरकतें बढ़ जाता है, तब वो लोग गांव में आकर किसी को बोलते हैं कि ऐसा मेरे घर में किसी लोग को ऐसा हुआ है। वो लोग हमेशा सलाह देते कि शायद उसके ऊपर भूत आ गया है या फिर उसके ऊपर कोई माता आ गया है या फिर डायन का साया पड़ गया है, तो आप लोग झाड़फूँक करवाइए। तो इसी ये सलाह लेकर वो लोग झाड़फूँक कराने लेकर जाते हैं, तो शायद झाड़फूँक के बाद दो तीन दिन अगर वो लोग ठीक रहते हैं तो उन लोगों को लगता है कि चलो ठीक हो गया, शायद सच में इसके ऊपर माता आ गया है या फिर भूत प्रेत का साया आया है, तो वो झाड़फूँक के वजह से वो ठीक हो गए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी साइकेटिक डिसऑर्डर, कोई भी इंसान के ऊपर जो भी सिम्टम्स आता है, तो हर रोज़ सिम्टम सेम नहीं रहता है।
कभी सिम्टम थोड़ा कम भी होता है तो उसी के चलते वो थोड़ा अगर कम हुआ है लेकिन उनको लगता है कि झाड़ फूँक के वजह से ही वो कम हुआ है। एक साल दो साल के बाद फिर से वो दोबारा आता है उसके पास, तब जब घर पे संभाल नहीं सकते तब वो लोग डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और डॉक्टर तब सलाह देते हैं कि ये जो बीमारी है ये एक मानसिक बीमारी है, ये शारीरिक बीमारी की तरह ही है, इनके लिए भी डॉक्टर्स है, आप ऐसे ही मानसिक अस्पताल में लेकर जाइए। तो अगर पहले लेकर जाते तो अच्छे से इलाज हो पाता इनका, तो इसी वजह से बहुत लेट करके लोग इधर लेकर आते हैं तो तब तक बहुत देर हो जाता है। बहुत सारा ऐसा बीमारी होता है जो एकदम शुरू शुरू में लेकर आता है तो ठीक होने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो फिलहाल हमने स्टूडेंट से बात की जिन्होंने साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट इन रूरल एरियाज को लेकर हमें उसके चैलेंजेस गिनाए, साथ ही साथ अपनी बातों में उन एक्शंस और उन सॉल्यूशंस की भी जानकारी दी जिससे साइकाइट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है जिनसे ग्रामीणों को जूझना पड़ता है। यहाँ से चलते हैं फैकल्टीज के पास और जानते हैं इस विषय पर उनकी राय। अभी भी रूरल एरिया में क्या हो रहा है, जैसे झाड़ फूक और ट्रेडिशनल हीलर है उनके पास लोग जा रहे हैं और अभी तक जो व्यवस्था है, जैसे जो बिलीफ सिस्टम है खास करके ट्राइबल में, आप सुने ही होंगे, अभी पेपर वेपर में आ रहा है, अभी भी आ रहा है कि वो वहाँ तीन आदमी को मार दिया गया, दो आदमी को मार दिया गया, ये वजह क्या है? वजह ये सब है एक्चुअली, एक तो वो बिलीफ सिस्टम है, उसके अलावा उसका पर्सनल प्रॉब्लम ही रहता है। अब पर्सनल प्रॉब्लम कहाँ से हुआ, मतलब गांव में कुछ गोतिया में कुछ ज़मीन की लड़ाई होती है, कभी कुछ लड़ाई होती है, तो उस वजह से भी होता है। ऐसा नहीं कि हम एकदम बिलीफ सिस्टम अकेले नहीं रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो हमको क्या करना चाहिए कि जितना भी जो अभी ट्रीटमेंट गैप जो है, वो 70-90% जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम जो है वो ट्रीटमेंट उनका हो ही नहीं रहा है। तो हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को जब तक एक्सटेंड नहीं करेंगे रूरल एरिया में, तब तक ट्रीटमेंट गैप हमारा जो है ऐसे ही रहेगा। जो ग्रामीण मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं इस पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रभावित इसलिए हैं क्योंकि हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बहुत कम है। इसके लिए हम लोगों ने सैटेलाइट क्लिनिक्स स्थापित किया हुआ है जहाँ पे फिक्स्ड जगहों पर हम लोग जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे हम लोग अर्ली आइडेंटिफिकेशन जिससे कि लोगों को चिन्हित कर लें सही में, और लोकल रिसोर्स पर्सन के माध्यम से वो मरीज वहाँ पर लाए जाते हैं। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम हर ज़िले में चल रहे हैं, वहाँ पर भी हर जिले स्तर के मरीज वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो जो बैरियर का इशू आता है, बैरियर सिर्फ ये है कि अगर हम सही टाइम में मानसिक बीमारी को पहचान नहीं पाते तो निश्चित रूप से है कि उनका इलाज समय से नहीं हो पाता है। तो हम लोग धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि एनजीओ को और जो लोकल रिसोर्स पर्सन होते हैं, स्कूल टीचर्स, जो यंग बच्चे हैं, है ना, जो समझदार, उनको हम लोग मानसिक स्वास्थ्य में जागरूक कर रहे हैं जिससे कि वो सही समय में अगर किसी को मानसिक बीमारी है तो उसको चिन्हित कर सकें और सही जगह पर इलाज के लिए सही टाइम पर भेज सकें। तो रिनपास के माध्यम से हम लोग मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं जिसमें मरीजों के लिए दवा, साइकोलॉजिकल इलाज, इन सब चीज़ों की सुविधा उपलब्ध है। ऐसे बहुत से मरीज़ हैं जो संसाधन की कमी की वजह से या कई बार समाज में जो स्टिग्मा है, हिचकिचाहट है, उसकी वजह से रिनपास तक आना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में हम लोगों ने टेली मेंटल हेल्थ सुविधा उपलब्ध कराई हुई है जिसके माध्यम से लोग हम लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो हमारे टेलीफोनिक हेल्पलाइन है, एक जो टाल फ्री हेल्पलाइन है 144-99, उस पर कॉल कर सकते हैं। एक सुसाइड प्रिवेंशन को डेडिकेटेड हेल्पलाइन है और अलग से भी टाल फ्री हेल्पलाइंस हैं जिनके माध्यम से आवश्यकता के अनुसार हमको संपर्क किया जा सकता है, जहाँ पर हम जो भी सुविधा उपलब्ध है उसके बारे में भी बताते हैं। कुछ चीज़ें जो कि ऐसी होती हैं कि टेलीफोन पर ही काउंसलिंग दी जा सकती है, उसके लिए वहीं पर काउंसलिंग उपलब्ध कराते हैं, नहीं तो रिनपास में अगर आने की ज़रूरत है तो उसके बारे में जानकारी देते हैं। और एक हेल्पलाइन जो है उस पर खास करके आत्महत्या से संबंधित जो भी समस्या है उसके बारे में बातचीत होती है। हम लोग की ये हेल्पलाइंस एडवर्टीजमेंट्स में और रिनपास के में भी उपलब्ध है और सभी लोग उसके माध्यम से सुविधा ले सकते हैं। और हम लोगों की ये बात सब लोगों तक पहुंचे और लोग हमको संपर्क करें, ये हम लोगों का लक्ष्य है।
मेंटल हेल्थ जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है लोगों का स्वस्थ, मतलब अगर स्वास्थ्य का बात करते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य अगर दोनों ठीक रहे तो पूर्णतः आदमी ठीक रहता है। तो ज़्यादातर क्या होता है लोगों में जो धारणाएं हैं वो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जागरूक हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को आज भी बहुत अलग तरीके से देखा जाता है और इसके प्रति जो अवधारणाएं हैं, बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, स्टिग्मा है जो समाज हमें रोकता है सामने आके इस विषय पर बात करने के लिए। हालांकि बहुत चेंजेस आए हैं लोगों में और लोग अब आगे आ रहे हैं बात कर, स्पेशली कोविड के बाद अगर देखा जाए तो लोग सामने आ रहे हैं। मीडिया का रोल खास करके इसमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि लोगों तक पहुंचा, हम नहीं भी पहुंच पाए लेकिन मीडिया जो है अपने थ्रू उनका अवेयरनेस, उनको सेंसिटाइज करना, उनको समझाना, मतलब वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है। तो मीडिया डेफिनेटली इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट मीडियम टू उनका जो इग्नोरेंस है उसको दूर कर सके। तो हमने रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकाइट्री एंड अलाइड साइंसेज के स्टूडेंट्स और फैकल्टी से बात की जिन्होंने साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट इन रूरल एरियाज पर अपने अपने अनुसार अपने विचार हमसे साझा किए। उन्होंने हर उन परेशानियों का जिक्र किया जिससे ग्रामीणों को एक बेहतर साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट के लिए गुजरना पड़ता है। तो ऐसे में सरकार को हर उन ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान देने की जरूरत है जो एक बेहतर साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट के सुविधाओं और संसाधनों से अछूते हैं, क्योंकि हम सब ये भली भांति जानते हैं कि ये मानसिक रूप से बीमारियां कितनी संवेदनशील होती हैं और बेशक ये नज़रअंदाज करने योग्य नहीं है। तो ऐसे में जितनी जल्द से जल्द इस पर काम किया जा सके उतना ही बेहतर परिणाम हमें मिल सकता है। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, कैंपस के अगले अंक में फिर मिलेंगे आपसे किसी अलग यूनिवर्सिटी में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।